बोलो भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक रेडियम लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी मॉर्निंग 10 बजने वाले हैं, देन मैं काफी पहले उठ चुका हूँ, फ्रेश भी हो चुका हूँ, लेकिन कंघी वगैरह नहीं किया क्योंकि समझ सकते हो आप। तो गाइस अभी मम्मी घर का काम कर रही है और मैं भी बाहर गया हुआ था तो डोसा लेके आया हूँ, तो मम्मी तो खा चुकी है डोसा, पूछते हैं कैसा लगा। तो इन लोग भैया बर्तन धो रही मम्मी, इसको दिखाने की क्या। तो डोसा कैसा लगा? पहले बार डोसा कैसा लगा वो बता। एकदम अच्छा। तो आज क्यों नहीं खा रही है? बस हो गया। क्यों? डोसा डोसा सुबह से रट लगा रखी थी, डोसा चाहिए डोसा चाहिए, छोटी सी बच्ची की जैसे जीत करके रखी है। तो बोली हूँ लाने के लिए, नहीं तो 10-12 बजे तोड़ता है। तो इसका फेवरेट डोसा है और दही बड़ा। यस। कौन सा बड़ा? दही का बड़ा। वही नहीं पैसा। उसके लिए विदेश जाना पड़ेगा। यहाँ भी मिलता है, यहाँ कोई नहीं पूछता। तो देखिए यहाँ पे डोसा रखा हुआ है, 20 रुपए का एक डोसा है, दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस तो ये है 20 रुपए का डोसा, 2 टुक मैं लिया हूँ, और 2 टुक मम्मी के लिए, 2 पापा के लिए। और ये देखो चटनी है, सांभर और वाइट वाली जो चटनी होती है ना, नारियल की चटनी में दोनों मिक्स कर दिए हूँ एक ही कटोरी में। चटनी क्या जबरदस्त लगती है भाई साहब, काफ़ी टेस्टी होता है, इसलिए मैं वहीं से लेके आया हूँ। और सस्ते में ये मजे है कि 20 रुपये में क्या ही मिलेगा करके, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। मैं आप लोगों को यहाँ का प्रॉपर एक वीडियो बना के दिखला दूंगा, कभी भी आप आना जाना करेंगे उस रोड से तो आप ट्राई जरूर करिएगा, मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ठीक है गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर घर का साफ सफाई करना है, काम करने हैं घर के, और कुछ कुछ बचे हुए हैं जो वीडियो मुझे एडिट करने हैं तो वो भी करने हैं अपने को। आज पूरा दिन भर ऐसे ही रहेगा, कहीं देखते हैं बाहर जाने का मौका मिले तो। हाँ अभी मोरमिदान भाई का आज सगाई है तो शाम को अपन सगाई में जाने वाले हैं, तो दिखलाएंगे आप लोगों को। गाइस तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, देन अभी हम तैयार हो चुके हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं। मोरमिदान भाई साहब का चैनल आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बनाते हैं, तो उनका आज सगाई है और ख़ास तौर पे उड़ीसा से भाई भी आया है क्योंकि उसका फ्रेंड है बचपन का लंगोटिया यार। लंगोटिया कॉलेज का यार। हाँ कॉलेज का, और लंगोटिया ही समझ लो क्योंकि कॉलेज और स्कूल लाइफ स्टाइल तो अलग ही होती है। तो अभी बस हम लोग ना द्विवेदी भाई का वेट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपन निकल जाएंगे क्योंकि दमान जी पहुँच चुके हैं और बता रहे थे जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो कार्यक्रम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है देखते हैं, 5-10 मिनट वेट करते हैं, अगर नहीं आता द्विवेदी भाई तो अपन निकल लेंगे। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे सगाई का कार्यक्रम रखा हुआ है, और ये गली है, चलते हैं गली कुचड़ होते हुए। गाड़ी हमने पीछे पार्क किया हुआ है और अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं, तो द्विवेदी भाई भी आ चुके हैं साथ में। ये देखो लड़का, ऐसा लग रही के साथ सगाई होने वाला है। और क्या बस शादी वादी करो, हो गया उसके बाद परिवार संभालो, हम बस चल रहे हैं। हमारे दमान जी पहले से आ चुके हैं, तो ये है हमारे दमान जी, फोन में लगे हुए हैं देखो। तो ये है घर, तो मोरमिदान भाई साहब का सगाई ऑलमोस्ट हो चुका है और इनकी पूरी फैमिली है, शुभ बधाई हो भाई को, नया जीवन साथी मिल चुका है भाई को। गाइस तो यहाँ पे मोरमिदान भाई का देखो फोटोग्राफी सब चल रहा है अलग अलग पोज में, ये देखो बढ़िया है भाई, बढ़िया चलेगा। गाइस तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, अभी रात के 10:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, मम्मी देख सकते हैं यहाँ पे खाना वाना खा के बैठी हुई है, और हम लोग भी वहीं पे खाना वाना खा के आए थे, अच्छा था कार्यक्रम वहाँ का, खाना वाना भी मस्त टेस्टी था। और बस अब हम
सोने के लिए जा रहे हैं, मतलब कभी तो नहीं सोएंगे, लगभग 12 बजे के आसपास सोऊंगा मैं। मम्मी भी 12 बजे के आसपास तक सोती है, पूछ सकते हो। ये देख मम्मी दिन भर गेम खेलती रहेगी, अभी मोबाइल बंद कर दिया। यही तो आदत खराब करा है जा जा के बाहर। तो मैं बाहर जाता हूँ ना, तो आदत अपने की खराब कर रही है। कैसे पास होगा बता। तो देखो टीवी है, मोबाइल की जरूरत नहीं है। टीवी देखने का है, वो चालू भी होता। खराब कर दी ना इसलिए तो है। तो क्या खाना खाई बताओ। तो मैं खाई पपीता और मछली। मछली पपीता कौन खाता है? अलग अलग खाए। देख रहे हो गाइस, हम वहाँ गए थे कार्यक्रम में और यहाँ पे मछली तो मछली क्या? मछली खा रहे हैं मछली। और अपने लिए है कि नहीं है? एक भी नहीं है। क्यों रखेंगे? क्यों नहीं रखेगी? डॉक्टर बना करता है खाने के लिए। मछली खाने में ही बोले हैं डॉक्टर। अच्छा हाँ। तो कभी क्यों नहीं सो रही इतना रात हो गया? तो 12 बजे देखता है तुम घड़ी। तो क्यों, तू क्यों जगती 12 बजे तक? बहुत इम्पोर्टेंट काम बस मोबाइल देखना है, गेम खेलना है। मतलब कि एक बज जाता है और जब सोएगी तो इतना नाक बजा बजा के सोती है ना। तो बसता है तो क्या करे, इतना नाक बजा बजा के सोती है। खुद का बसता है, कौन देखता है? मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो आवाज ही नहीं निकलता। आ, बड़ा है, तेरे को क्या पता? मेरे को वीडियो बनाने आता ना, तो नाक बता देते। मेरे यार तक आता है आवाज। कुछ भी कुछ भी बोलती मम्मी, मम्मी की बातों को भरोसा। वैसी लगता है जब अपने ऊपर आता है तो। ठीक है गाइस, अभी हम सोने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि 12 बजे के बाद सोएंगे। गुड नाइट।